हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्कस किया कि क्या हाई कोर्ट के पास CRPC के सेक्शन 482 में पावर है कि वो अपने इनहेरेंट पावर को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन दे सकता है या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की डायरेक्शन दे सकता है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बट इसके साथ ही साथ हम CRPC के कुछ दूसरे प्रोविजंस को भी समझेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दूसरे प्रोविजंस होने के बावजूद हाईकोर्ट के पास अंडर सेक्शन 482 में अप्रोच किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं CRPC का सेक्शन 156(3). CRPC के सेक्शन 156(3) में बेसिकली मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को डायरेक्शन देता है किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि 156(3) में जब मजिस्ट्रेट किसी भी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन देता है तो उसमें सबसे पहले FIR लॉन्च करना कंपलसरी होता है। तो पुलिस को जब डायरेक्शन दिया जाता है 156(3) में तो वो सबसे पहले FIR लॉन्च करती है और फिर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद पुलिस जब अपना चार्जशीट फाइल करती है तो वो CRPC के सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में फाइल करती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद उसी चार्जशीट पर कोर्ट अपना कॉग्निजेंस लेती है, मजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस उसी चार्जशीट पर लेता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस पर्टिकुलर चार्जशीट में अभी कुछ ऐसे एविडेंसेस की कमी है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पूरी हो सकती है तो मजिस्ट्रेट CRPC के सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि उस पर्टिकुलर केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन किया जाए या और आगे इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाए। और अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड है तो वो उसी चार्जशीट पर अपना कॉग्निजेंस ले लेता है CRPC के सेक्शन 190 में और केस को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि उस पर्टिकुलर केस में अभी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है लेकिन मजिस्ट्रेट ने उस पर्टिकुलर केस में कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन नहीं दिए हैं तो क्या वो व्यक्ति हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है सेक्शन 482 में उस पर्टिकुलर केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने CRPC के सेक्शन 482 में जो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है इसी को डिस्कस करते हुए बोला कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन 482 में। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट को ये बात ध्यान रखनी होगी कि उसकी जो ये पावर है वो समुचित तरीके से यूज़ की जाए और ऐसा ना हो कि किसी भी ऐसे दूसरे एक्यूज्ड को परेशान किया जाए जो इनोसेंट है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर केस में जो असाधारण प्रकृति का है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसको जो है वो पावर यूज़ करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई इनोसेंट व्यक्ति उसके इस फैसले से प्रभावित ना हो। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि CRPC के सेक्शन 482 में हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो किसी भी पर्टिकुलर केस में जिसमें उसको लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो वो सेक्शन 482 को यूज़ करते हुए अपने इनहेरेंट पावर को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकता है। इसके साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के पास पावर ऑलरेडी सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 में अपने पावर को यूज़ नहीं करता है तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि वो सेक्शन 482 में दोबारा से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। तो बेसिकली ये था पूरा जजमेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।